भारत के महान बल्लेबाज सुनील गावस्कर ने वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में भारत की हार के बाद विराट कोहली को संभावित तौर पर कप्तान बनाए रखे जाने के फैसले पर सवाल खड़े किए थे। गावस्कर का मानना है कि कोहली को दोबारा कप्तानी सौंपी जाने से पहले एक आधिकारिक बैठक होनी चाहिए थी। अपने एक इंटरव्यू में गावस्कर ने कहा, अगर उन्हें वेस्टइंडीज दौरे के लिए कप्तान का चयन बिना किसी मीटिंग के कर लिया तो ये सवाल उठता है कि क्या कोहली अपने बदौलत टीम के कप्तान हैं या फिर चयन समिति की खुशी के कारण है। गावस्कर ने लिखा, हमारी जानकारी के मुताबिक उनकी नियुक्ति विश्व कप तक के लिए ही थी, इसके बाद चयनकर्ताओं को इस मामले पर मीटिंग बुलानी चाहिए थी। ये अलग बात है कि यह मीटिंग 5 मिनट की ही चलती, लेकिन ऐसा होना चाहिए था। एमएसके प्रसाद की अध्यक्षता वाली अखिल भारतीय चयन समिति ने वेस्टइंडीज दौरे के लिए कोहली को 3 फॉर्मेट का कप्तान नियुक्त किया है। इस सीरीज की शुरुआत फ्लोरिडा में होने वाले T20 मुकाबलों से होगी। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट की ओर से गठित प्रशंसकों की समिति ने साफ कर दिया है कि वो विश्व कप में टीम के प्रदर्शन पर रिव्यू बैठक नहीं बुलाएगी, लेकिन वो इस विश्व कप में टीम के प्रदर्शन को लेकर टीम मैनेजर की रिपोर्ट पर विचार करेगी। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स से प्रतिष्ठा की रिपोर्ट।